भारत का वृहत मैदान, उत्तर का मैदान हिमालय के दक्षिण में पूर्व से पश्चिम में अवस्थित है, जिसके दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी कुल लंबाई सिंधु के डेल्टा से गंगा के मुहाने तक 3,200 किलोमीटर है, लेकिन रावी सतलज के किनारों से लेकर गंगा के डेल्टा तक इसकी लंबाई 2,400 किलोमीटर तथा चौड़ाई 150 से 500 किलोमीटर है। यह सबसे संकरा असम घाटी में तथा सबसे चौड़ा बंगाल में 400 किलोमीटर तक है। पश्चिम में पाकिस्तान के सहारे 500 किलोमीटर तक चौड़ाई है। इसका कुल क्षेत्रफल 7,77,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें सिंध का मैदान, पंजाब, हरियाणा का मैदान, राजस्थान का मरुस्थल, गंगा का मैदान, असम की ब्रह्मपुत्र घाटी सम्मिलित है। इसका मध्यवर्ती भाग गंगा तथा इसकी सहायक नदियों से बना है। इस महान मैदान की पश्चिमी सीमा पंजाब का मैदान है, जहां सिंधु की सहायक नदियां दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है। पंजाब के मैदान का दक्षिण भाग शुष्क है, जिसका विस्तार पश्चिमी राजस्थान की ओर है। पश्चिमी राजस्थान वास्तव में गंगा सिंधु मैदान का एक भाग है, लेकिन वर्तमान में यह एक भिन्न भूदृश्य के चक्र से गुजर रहा है, जिसका एक पृथक इकाई के रूप में पहचान बन गई है। यह मैदान उत्तर में हिमालय पर्वत व दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत से आने वाली नदियों द्वारा लाए गए जलोदक पदार्थों के जमा होने से बना है। जलोदकों के जमाव का यह क्रम लाखों वर्षों में संपन्न हुआ है तथा प्रतिवर्ष निरंतर परतों के रूप में इसका जमाव हुआ है, जिसका प्रमाण मृदा परिच्छेदिका में देखा जा सकता है। इस प्रकार से यह एक एग्रीडेशनल प्लेन या अभिवृद्धिक मैदान है। यहाँ 2000 मीटर की गहराई तक जलोढ़ मिट्टी के जमाव पाए जाते हैं। इसकी औसत गहराई 1300 से 1400 मीटर के मध्य है। इसकी सर्वाधिक गहराई हरियाणा के अंबाला, यमुनानगर तथा जगाधरी में 8000 मीटर तक है। इस मैदान का औसत ढाल 25 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर से कम है। तराई प्रदेश से गंगा के डेल्टा तक की औसत ऊंचाई मात्र 200 मीटर है। गंगा व सिंधु नदियों के डेल्टा प्रदेशों में काफ़ी भिन्नता है। गंगा का डेल्टा झारखंड में राजमहल की पहाड़ियों से बंगाल की खाड़ी तक लगभग 430 किलोमीटर चौड़ा है तथा 480 किलोमीटर लंबा है, जबकि सिंधु का डेल्टा चिनाब की पहाड़ियों से अरब सागर तक 960 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। इसकी चौड़ाई केवल 160 किलोमीटर है। गंगा के डेल्टा में निक्षेपों की मात्रा अधिक है तथा निक्षेपित पदार्थों के कण बारीक व अवसादों की गहराई अधिक है। इसके विपरीत सिंधु डेल्टा में निक्षेपों की मात्रा कम
वक्षण मोटे तथा अवसादों की गहराई कम है। इस संपूर्ण मैदान को निम्न प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है। पहला, भाबर मैदान। यह शिवालिक का जलोढ़ पंख कहलाता है। भाबर का मैदान शिवालिक के तलहटी में सिंधु से तिस्ता नदी तक 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई 200 से 300 मीटर है। यह एक प्रकार का पर्वतपदीय मैदान है, जहां शिवालिक के ढालों पर तेज गति से बहने वाली नदियों के अवसाद जमा होते हैं। इन क्षेत्रों में आते ही जल की गति मंद हो जाती है, जिससे ये जलोढ़क जमा होते हैं। इस प्रकार के जमाव पारगम्य है, जिससे होकर लघु सरिताएं चो व राओ ग्रीष्म ऋतु में भूमिगत हो जाती है तथा केवल बड़ी नदियां ही सतह पर प्रवाहित होती है। तराई का मैदान। यह भाबर के समानांतर फैला हुआ है, जहां भूमिगत नदियां पुनः धरातल पर प्रकट होती है। यह प्रदेश 15 से 30 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला है तथा इसमें प्रवाहित नदियों का कोई निश्चित प्रवाह मार्ग नहीं होने से जल फैल जाता है, जिसके कारण दलदली धरातल बन जाता है। यह भाबर की अपेक्षा बारीक कणों से निर्मित है, जहां सघन वनावरण व वन्य जीवन पाया जाता है। तीसरा, बांगड़ मैदान। उत्तर के मैदान के बड़े भाग पर मध्य प्लायस्टोसीन तथा अभिनूतन काल के दौरान जलोढ़ के जमाव मिलते हैं। सतलज के मैदान, गंगा का उत्तरी मैदान तथा नदियों के मध्यवर्ती भागों में बांगर प्रदेश पाया जाता है। इन पुरातन जलोढ़ जमाव वाले क्षेत्र को बांगर कहते हैं, जहां नदियों की बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है। यहाँ बाढ़कृत मैदान से ऊपर जलोढ़क वेदिकाएं बनी हुई है तथा कहीं कहीं चूनायुक्त कंकरीली मिट्टी भी मिलती है, जिसमें नमी की मात्रा कम होती है। कहीं कहीं लवणीय व क्षारीय क्षेत्र मिलते हैं, जिन्हें रे, कलर या थूड कहते हैं। भूजल स्तर काफ़ी गहराई पर मिलता है। इसका अधिकांश विस्तार पंजाब व उत्तर प्रदेश में है। बांगर मैदान डेल्टा के उत्तरी भाग में जमुना ब्रह्मपुत्र के पश्चिम में बांग्लादेश व पश्चिम बंगाल में एक निम्न पठार के रूप में पाया जाता है। यहाँ इसका स्थानीय नाम बारिंद है। बारिंद में लेटेराइट मिट्टी की प्रधानता है। बांगर में कहीं कहीं बालू के ढेर या भूड़ तरंगित भूमि के रूप में मिलते हैं, जिनमें जीवाश्म की प्रचुरता होने के कारण मृदा गहरे रंग की होती है। खादर मैदान। खादर एक ऐसा मैदानी भाग है, जहां प्रतिवर्ष नवीन बाढ़ की मिट्टी जमा होती रहती है। पर्याप्त भूमिगत जल भंडार मिलते हैं व प्रतिवर्ष नवीन जमावों से मृदा की उर्वरता बनी रहती है। इसे उत्तर प्रदेश में खादर तथा पंजाब में बेट कहते हैं। ये मैदान नदियों के किनारों के सहारे बनते हैं। पंजाब व उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त बिहार, पश्चिम बंगाल में भी इनकी अधिकता है। इसका निर्माण उत्तर प्लिस्टोसिन काल में हुआ, जो वर्तमान तक जारी है। पांचवा, डेल्टा मैदान। ये खादर के ही विस्तार हैं, जो गंगा के निचले भागों में करीब
1.9 लाख वर्ग किलोमीटर में स्थित है। डेल्टा प्रदेश की उच्च भूमि को चार और दलदली क्षेत्रों को बिल कहते हैं। उत्तर भारत के विशाल मैदान में जलोढ़कों का जमाव प्लिस्टोसिन युग से ही हो रहा है। इसके अंतर्गत शिवालिक के पर्वतीय भागों से प्रवाहित होने वाली नदियों द्वारा जमा किए गए पदार्थों से दो प्रकार के उच्चावच लक्षणों का निर्माण हुआ है, एक जलोढ़ शंकु व पंख तथा दूसरा अंतः शंकु इंटरकोन। पर्वतीय क्षेत्र से उतरते ही नदियां तलछटों का जमाव करने लगती है। ये जमाव त्रिभुजाकार होते हैं जिन्हें जलोढ़क शंकु कहते हैं। जब यह आगे से थोड़ा गोलाकार रूप ले लेता है तो जलोढ़ पंख कहलाता है। हिमालय से निकलने वाली नदियों में घाघरा के अतिरिक्त सभी नदियां जलोढ़ शंकु बनाती है। व्यास, रावी व तिस्ता नदियां संयुक्त शंकु बनाती है। दो शंकुओं के बीच का भाग अंतः शंकु कहलाता है। अनेक बार जमावों के दौरान शंकु व अंतः शंकु परस्पर मिल जाते हैं। इस प्रकार उत्तर का विशाल मैदान कई विविधताओं से युक्त है और भारत का प्रमुख जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। इसका विस्तृत विवरण आगे वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे।